हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक, विच इज़ जैनिज्म। क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, यूपीएससी हो, पीएससी हो, इनफैक्ट कोई भी वन डे एग्ज़ाम भी हो, तो वहाँ पर इस टॉपिक से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। जैनिज्म के साथ साथ बुद्धिज्म से भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो बुद्धिज्म पे ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुकी हूँ। वो वीडियो आपको परचम की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके लिए जो भी कंटेंट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इनफैक्ट आपको जो PDF प्रोवाइड की जाएगी वो भी हिंदी और इंग्लिश में होगी। अगर आपको PDF चाहिए है तो आप परचम की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं या फिर परचम के एप्लीकेशन के जरिए PDF को ले सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं अब जैनिज्म के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखना है, लास्ट में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। सारे पॉइंट्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, फिर भी आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिएगा जिससे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप नोट डाउन करते जाएं, ठीक है। सो हम बात करते हैं जैनिज्म के बारे में। तो होता क्या है कि वैदिक पीरियड का समय होता है, वैदिक पीरियड में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, जो फीमेल्स होती हैं उनकी कंडीशन भी अच्छी होती है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। लेकिन जैसे ही लेटर वैदिक पीरियड आता है तो लेटर वैदिक पीरियड में जो है वो कंडीशन ख़राब होते जाती है। कंडीशन कैसे ख़राब होते जाती है, तो पहले तो फीमेल की कंडीशन ख़राब हो जाती है, दूसरी बात जो लोअर कास्ट होते हैं, जो दलित होते हैं, हरिजन होते हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाने लगता है, तीसरी बात क्या होती है कि जो वैदिक पीरियड होता है उसमें जो कास्टिज्म होता है या वर्ण व्यवस्था होती है वो आपके वर्क के अकॉर्डिंग होती है कि आप जो काम करते हैं उस हिसाब से आपकी कास्ट को डिसाइड किया जाएगा। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या करते हैं, जो जन्म होता है बर्थ के अकॉर्डिंग आपको वर्ण डिसाइड करते हैं कि आप किस वर्ण में होंगे, आप ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे, वैश्य होंगे या शूद्र होंगे। इसके अलावा जो वेद होते हैं, पुराण होते हैं, वो सभी कुछ आपको संस्कृत लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। तो संस्कृत भाषा काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको रीड नहीं कर सकते, आसानी से उसको समझ नहीं सकते। तो जो ब्राह्मण वर्ग होता है उन्होंने कह दिया कि वेदों में ऐसा लिखा है, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ये पूजा पाठ कराना चाहिए। तो एक तरीके से बिजनेस बन चुका है पूजा पाठ कर्मकांड कराना। तो एक ऑर्थोडॉक्स मतलब जो रूढ़िवादी विचारधारा सामने आ रही है, कर्मकांड पूजा पाठ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, ब्राह्मणों का अत्याचार बढ़ने लगा है, महिलाओं की स्थिति खराब होने लगी है। इसके कारण जो दूसरे जो वर्ग है, जो क्षत्रिय वर्ग है, वो सामने उभर के आता है और कुछ नए रिलीजन सामने आते हैं, और उन्हीं रिलीजन में आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म देखने को मिलेगा। अगर मैं भगवान गौतम बुद्ध की बात करूं या फिर भगवान महावीर की बात करूं, दोनों ही क्षत्रिय होते हैं। तो ये क्षत्रिय वर्ग सामने उभर के आता है और नए धर्मों का उदय होता है। तो आज हमें डिस्कस करना है ओरिजिन ऑफ जैनिज्म। तो आज हम जैन धर्म के ओरिजिन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले बात, ये जो जैन धर्म है ये बहुत ही एंशियंट है, तो वैदिक पीरियड के समय का ये धर्म माना जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि ऋग्वेद में कौन से तीर्थंकर की चर्चा देखने को मिलती है। तो जो जैनों के पहले तीर्थंकर होते हैं ऋषभदेव, जिनको हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, तो ऋषभदेव या आदिनाथ के बारे में आपको ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। तो बेसिकली जो जैन धर्म की टीचिंग्स होती हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं जैन धर्म के, उनको हम तीर्थंकर बोलते हैं। बेसिकली जो जैन धर्म है ये जिन से आया है। जिन से क्या आया है, जैन आया है। जिन का मतलब क्या होता है, जो हमारे 5 senses होते हैं, हमारी जो 5 इंद्रियां होती हैं उनको जो कंट्रोल कर लेता है, उनको जो काबू कर लेता है, उनको जिन कहते हैं। और जिन से जो शब्द आता है वो जैन आता है, और जैन धर्म के जो टीचर्स होते हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो तीर्थंकर होंगे वो ऋषभदेव होंगे, जिनको आदिनाथ कहा जाता है, और सबसे जो लास्ट तीर्थंकर है वो वर्धमान महावीर के नाम से जाने जाते हैं। तो टोटल 24 तीर्थंकर हैं। ये पहले तीर्थंकर हैं जिनका जिक्र आपको ऋग्वेद में मिलेगा। इनके अलावा जो 22nd नंबर के तीर्थंकर होते हैं अरिष्टनेमी, उनका जिक्र भी आपको ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। तो ये जो आदिनाथ या ऋषभदेव है, तो हर एक तीर्थंकर का अपना एक सिंबल होता है जिनसे उनकी पहचान, उनके स्टैच्यू की पहचान, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो जो ऋषभदेव है उनका जो चिन्ह है वो होता है बुल, मतलब सांड का चिन्ह इनका सिंबल होता है, ठीक है। इसके बाद जो 23rd नंबर के तीर्थंकर होते हैं उनको पार्श्वनाथ के नाम से जाना जाता है। राजा अश्वसेन के बेटे होते हैं पार्श्वनाथ, बनारस में इनका जन्म होता है। 8th से लेकर 7th century के बीच का समय इनका माना जाता है। तो जो जैन धर्म की जो सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल जो अडॉप्ट किए गए हैं वो पार्श्वनाथ की टीचिंग से ही अडॉप्ट किए गए हैं। बस उनको टचअप देने का काम जो है वो किसने किया है, भगवान महावीर ने किया है। तो इनका जो सिंबल होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सांप है,
सर्प बोला जाता है, स्नेक बोला जाता है, ये इनका सिंबल होता है किसका, पार्श्वनाथ का। ठीक है, तो आपने एक जगह सुनी होगी जैन धर्म का बहुत ही रिलीजियस प्लेस है, जैसे कि मुस्लिम्स में मक्का मदीना होता है कि नहीं। अगर हम बात करते हैं वैसे जैनिज्म में जो धार्मिक स्थान माना जाता है वो संबेत शिखर माना जाता है, और संबेत शिखर का संबंध भी पार्श्वनाथ से है। चलो अब हम बात कर लेते हैं फाउंडर ऑफ जैनिज्म के बारे में, वर्धमान महावीर के बारे में। बेसिकली जैन धर्म के जो फाउंडर हैं वो ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है, लेकिन एक्चुअल फाउंडर जो है वो वर्धमान महावीर को कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको मुगल सल्तनत के बारे में बताया था कि मुगल सल्तनत के फाउंडर कौन है, बाबर है, बट एक्चुअल फाउंडर आप अकबर को कहते हैं। रीज़न है कि अकबर के समय मुगल धर्म जो है वो पूरे भारत में फैल गया था। वैसे ही जैनिज्म जो है, जैन धर्म को जो बिल्कुल एक आइडेंटिटी मिली, उसका जो प्रचार हुआ प्रसार हुआ वो किसके समय मिला, महावीर के समय मिला। इसलिए एक्चुअल फाउंडर जो है वो वर्धमान महावीर को माना जाता है। इनका जो समय है वो 540 से लेकर 468 BC के आसपास है, मतलब लगभग 72 ईयर्स का समय वर्धमान महावीर का कहलाता है, 540 BC से 468 BC। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर कहलाते हैं जैन धर्म के। ठीक है, इनका जो नाम है वो वर्धमान भी है, इनको महावीर के नाम से भी जाना जाता है, जिनेन्द्र के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म जो है वो 540 BC में हुआ था, कहाँ पे, कुंडलवन वैशाली, जो कि बिहार में स्थित है। ये एक रॉयल फैमिली, एक रॉयल क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था, तो कंफ्यूज मत होना, वहाँ पे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और यहाँ पर इनके फादर का नाम क्या है, सिद्धार्थ है। ये जो है ज्ञातक वंश है ना, या फिर जंत्रिके डायनेस्ट्री से ये बिलोंग करते हैं। इनकी जो माता होती है वो त्रिशला होती हैं, और त्रिशला जो इनकी माता हैं वो किसकी सिस्टर है, तो चेतक की सिस्टर है, और चेतक कौन है, वैशाली किंगडम के राजा हैं। तो वैशाली किंगडम के राजा चेतक की बहन उनकी माता त्रिशला होती हैं। ठीक है, अब ये जो चेतक होते हैं ना, चेतक अपनी डॉटर की जो शादी है वो बिंबिसार से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक रीजनिंग बनती है, सुनिएगा बहुत अच्छे से। ये लिच्छवी वंश की होती है इनकी माता त्रिशला, तो त्रिशला जो है वो किसकी बहन है, त्रिशला जो है वो चेतक की बहन है। चेतक की जो डॉटर होती है उसकी शादी किसके साथ होती है, बिंबिसार के साथ होती है। त्रिशला के बेटे कौन है, त्रिशला के बेटे महावीर हैं। सो ये रीजनिंग का, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बन गया है। आप मुझे बस इतना बता दीजिएगा कि बिंबिसार जो हैं वो जैनिज्म को फॉलो करते हैं, और बिंबिसार और भगवान महावीर का अगर आप रिलेशन निकालना चाहें तो क्या रिलेशन बनेगा, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। एक सिंपल सा सी सेट का क्वेश्चन आप इसको ले सकते हैं, ब्लड रिलेशन का। चलो आगे बात करते हैं। भगवान जो महावीर होते हैं इनकी शादी होती है यशोदा से। वहां पर शादी हो रही थी यशोधरा से, यहाँ पे शादी होती है यशोदा से। फिर इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है प्रियदर्शना। प्रियदर्शना की भी शादी होती है, और इनके बेटे रहते हैं जमाली। क्या नाम है इनके बेटे का, जमाली। और जमाली जो है वो पहले शिष्य होते हैं किसके, भगवान महावीर के। तो जैसे कि वहां पे आनंद शिष्य थे गौतम बुद्ध के, वैसे यहाँ पे जमाली का नाम देखने को मिलता है, जो भगवान महावीर के शिष्य होते हैं। अब भगवान महावीर जो हैं वो 30 साल की उम्र में घर को त्याग देते हैं, सत्य की खोज में इन्होंने घर को त्याग दिया और तपस्वी बन जाते हैं। 12 सालों तक यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, और एक दिन उनको फिर इनलाइटमेंट होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जैन धर्म में जो केवल्य होता है, या जो ज्ञान की प्राप्ति इनलाइटमेंट होता है, उसको केवल्य के नाम से जाना जाता है। तो 42 साल की उम्र में, 42 ईयर्स की एज में केवल मतलब ज्ञान की प्राप्ति भगवान महावीर को होती है। जबकि मैंने बुद्धिज्म में बताया था जब इनलाइटमेंट होता है गौतम बुद्ध को, उसको निर्वाण बोलते हैं, और यहाँ पे जब भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको हम केवल कहते हैं। तो केवल कब प्राप्त होता है, तो 42 ईयर्स की एज में केवल मिलता है। कहाँ पर मिलता है, तो देखिए भगवान महावीर बैठे हैं, किस पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो ये एक साल का पेड़ है। तो साल ट्री के नीचे, पीछे देखो एक नदी बह रही है, उस नदी का नाम है रिजुपालिका रिवर। तो 42 साल की उम्र में रिजुपालिका नदी के किनारे साल के पेड़ के नीचे जाम्बिक ग्राम में भगवान महावीर को इनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो आपको जो सत्य का ज्ञान हुआ है, जो संसार का सत्य आपको पता चला है, अब लोगों को आप उपदेश देंगे, है ना। तो इनका जो पहला उपदेश होता है वो पावा में होता है, पावापुर, ठीक है, पावापुर में या पावा में इनका पहला उपदेश होता है।
ठीक है। अब जैसे कि हर एक तीर्थंकर का एक सिंबल होता है, वैसे तीर्थंकर जो महावीर है उनका भी एक सिंबल होता है जिसको हम लाइन बोलते हैं, सिंह या शेर का सिंबल होता है। तो बेसिकली जो मगध, वैशाली, पावापुर, कौशल, मिथिला, चंपा, इन सभी जगहों पे जो है वो जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, अपने उपदेश देते हैं, एक संघ बनाते हैं, 11 लोगों का एक संघ बनाते हैं। और इस 11 लोगों के संघ को गणधर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन 11 लोगों के संघ को गणधर बोला जाता है। और 72 एज में 468 BC में पावापुरी, जो कि बिहार में स्थित है, वहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है, मतलब इनको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। गौतम बुद्ध के समय जो उनकी डेथ होती है उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं, और जैनिज्म में जो डेथ होती है उसको हम निर्वाण के नाम से जानते हैं। अच्छा, अगर 2015 की अभी बात करें तो एक राजस्थान हाईकोर्ट में एक बहुत ही फेमस केस चल रहा था जिसका नाम था संथारा। सुना होगा आप लोगों ने संथारा के बारे में। पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने संथारा को जो है वो बैन कर दिया था, IPC 306-309 उसमें लगा दी थी कि संथारा जो है वो एक अटेम्प्ट टू सुसाइड है जो कि इलीगल है ना, तो उस पर बैन लगा दिया था। लेकिन फिर जब जैनिज्म के लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो उस पर बैन हटा दिया। तो ये संथारा क्या होती है? तो जब किसी को ऐसा लगता है कि बस उसका उम्र हो गई है, अब उसको इस शरीर को त्याग देना चाहिए, मतलब अब उसकी डेथ होने वाली है, तो वो कुछ समय पहले से जब खाना पीना बंद कर देता है, मौन रहने लगता है ना, और एक दिन आता है जब उसने उपवास करना शुरू कर दिया, और उपवास के जरिए जब अपनी शरीर को वो त्याग देता है, तो इस प्रक्रिया को संथारा कहते हैं। तो ये केस चला था, इसलिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। संथारा, ये भगवान महावीर, और इसका इनका सिंबल आप देख सकते हैं, लाइन है, ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि क्या रीजन थे, क्यों जैनिज्म पूरे भारत में फैल गया। हालांकि बुद्धिज्म ज़्यादा फैला था, उसका रीज़न था कि बुद्धिज्म जो था बहुत लिबरल था, उदारवादी थे, जबकि जैनिज्म के जो भी रूल्स थे, जो प्रिंसिपल थे, वो बहुत कठिन थे, इसलिए जैनिज्म इतना ज़्यादा स्प्रेड हो नहीं पाया, केवल भारत तक ही रह गया। तो देख लेते हैं, सबसे पहले वैदिक पीरियड में या लेटर वैदिक पीरियड में संस्कृत भाषा में लेख होते थे, स्पीचेस संस्कृत में होती थी, वेद पुराण ग्रंथ जो थे वो कैसे थे, संस्कृत में थे। तो संस्कृत आम लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। तो यहाँ पे भगवान महावीर के जो भी टीचिंग्स थी, जो भी उपदेश थे या प्रिंसिपल थे, वो प्राकृत भाषा में दिए गए। मोस्टली समय ये मगध में रहे, तो इसलिए इसको मगधी भाषा भी कहा जाता है। तो जैन साहित्य जो आपको देखने को मिलता है वो आपको कहीं कहीं पाली में भी मिलेगा, लेकिन मेन कहाँ मिलेगा आपको, प्राकृत और मगधी भाषा में जैन साहित्य देखने को मिलेगा। वैदिक जो समय था उसमें कर्मकांड बहुत ज़्यादा थे, और यहाँ पे कर्मकांडों पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ये मूर्ति पूजा पे बिलीव नहीं करते थे, प्रिंसिपल को फॉलो करो। इनका ये मानना था कि आपके जो कर्मा हैं उससे ही ये सब कुछ चलता है, आपका जन्म होना, आपका मरना इज टोटली डिपेंड ऑन कर्मा। और जैनिज्म जो है वो पुनर्जन्म पे बिलीव रखते थे कि आपका रीबर्थ होगा, और रीबर्थ जब होगा तो वो आपके कर्मों पे डिपेंड करेगा। तो बेसिकली इनका पूरा फोकस कर्मों पे था, पूजा पाठ या फिर मूर्ति पूजा को ये सपोर्ट नहीं करते थे। आगे समय में आप देखोगे कि मूर्ति, जब भगवान महावीर की डेथ हो जाती है उसके बाद मूर्ति पूजा शुरू हो जाती है, वापस से कर्म कांड शुरू हो जाते हैं, इसलिए ये स्प्रेड उतना ज़्यादा हो नहीं पाता। साथ ही साथ सारी जो कास्ट होती है उन सभी लोगों को परमिशन होती है कि वो जैनिज्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल कास्टिज्म जो था, निचली जातियाँ जो थी उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए काम किया गया, और उनको भी परमिशन थी कि वो जैनिज्म को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जैनिज्म पूरी तरीके से जो फोकस था वो अहिंसा पे था, मतलब आपको एक छोटे से जीव की भी हत्या नहीं करनी है, कोई भी लिविंग बॉडी उसकी हत्या नहीं करनी है। इसलिए जो किसान थे, जो फार्मर्स थे, फार्मर्स को तो इंसेक्ट्स को किल करना होता है, तो फार्मर्स जो हैं वो जैनिज्म में शामिल नहीं होते। जैनिज्म में जो जनरली लोग शामिल हुए हैं वो ट्रेडर्स होते हैं और बिजनेसमैन होते हैं। तो आज भी आप देखोगे जो ट्रेडर्स और बिजनेसमैन ही आपको जैनिज्म में देखने को मिलेंगे, किसान वर्ग जो है वो जैनिज्म को फॉलो करते हुए आपको आज भी नहीं दिखेगा, ठीक है। फिर एक समय ऐसा आता है कि जैनिज्म जो है अब कुछ अपनी पॉलिसीज के कारण दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। एक पार्ट को हम दिगंबर बोलते हैं और दूसरे पार्ट को हम श्वेतांबर बोलते हैं। अब देखो, जैन धर्म के फैलने का एक रीज़न होता है कि बहुत सारे राजाओं के द्वारा उसको प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे कि एक राजा की बात हम करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में,
तो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बड़े फॉलोवर होते हैं जैनिज्म के। इनफैक्ट ये अपने अंतिम दिनों में अपना पूरा राजपाट छोड़कर जो है वो श्रवण बेलगोला कर्नाटका में चले जाते हैं और वहाँ पर जाके जैनिज्म को एडॉप्ट भी कर लेते हैं। तो जैन धर्म का फैलने का जो रीज़न है वो एक रीज़न बहुत सारे राजाओं का संरक्षण मिलना होता है। अगर हम साउथ इंडिया में बात करें तो गंग डायनेस्टी के राजा से इनको प्रोटेक्शन मिलता है। गंग डायनेस्टी के जो राजा होते हैं ना, चामुंड राय, क्या नाम है इनका, चामुंड राय। तो श्रवण बेलगोला में एक बाहुबली का बहुत बड़ा स्टैच्यू है, वो भी गंग डायनेस्टी के राजा चामुंड राय ने बनवाया है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अमोद घोष है ना, ये भी जो है वो साउथ इंडिया से थे और ये भी जैन धर्म को फॉलो करते थे। रत्नमालिका नाम की रचना भी जो है अमोद घोष के द्वारा की गई है। चालुक डायनेस्टी के द्वारा इनको संरक्षण मिला था, तो चालुक डायनेस्टी भी देखने को मिलेगी। नॉर्थ इंडिया में अगर बात करें तो बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और राजा हर्षवर्धन, ये सभी लोगों ने जैन धर्म को एडॉप्ट कर लिया था। ऐसा पढ़ते हैं क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग डेटा मिलता है कि अकबर ने भी जैनिज्म को फॉलो किया था, ऐसा देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक कॉन्ट्रोवर्सी है, कैसी, अजातशत्रु को लेकर। अजातशत्रु को बौद्धिज्म के लोग कहते हैं कि वो बुद्ध धर्म को फॉलो करते थे क्योंकि जो बुद्धिस्ट काउंसिल होती है वो अजातशत्रु के समय होती है। लेकिन जैनिज्म का कहना है कि इनके जो फादर है बिंबिसार वो जैनिज्म को फॉलो करते थे, तो अजातशत्रु भी जैनिज्म को फॉलो करते हैं। तो अजातशत्रु का जब विकिपीडिया आप ओपन करेंगे गूगल पे, तो अगर पूछा जाता है कि ये किस धर्म को फॉलो करते, तो नीचे जैनिज्म भी लिखा आता है और बुद्धिज्म भी लिखा आता है। तो इनको लेके थोड़ा सा अलग अलग बुक में अलग अलग डेटा है। तो विकिपीडिया पे मैंने फॉलो किया तो यहाँ पे भी जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों लिखा हुआ था इनके नाम के सामने। तो काफ़ी सारे राजाओं के द्वारा इनको प्रोटेक्शन मिला, इसलिए जैन धर्म जो है वो पूरे भारत में स्प्रेड हो गया, नॉर्थ से लेके साउथ तक। अब हम टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले महावीर ने जो वैदिक प्रिंसिपल्स थे उनको रिजेक्ट किया। ये गॉड के एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करते थे, मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, मूर्ति पूजा पे बिलीव नहीं करते थे। ये कहते थे कि पूरा जो यूनिवर्स है ना, ये आप जो भी करते हो, आप जो कर्मा करते हो उसका इफेक्ट ही आपको मिलता है। ये सोल पे, कर्मा पे बिलीव करते थे। उन्होंने कहा था कि बॉडी मर जाती है लेकिन सोल जिंदा रहती है, वन ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन पे हमारी सोल ट्रांसफ़र हो जाती है, हमारा रीबर्थ भी हमारे कर्मा पे डिपेंड करता है। ये अहिंसा पे बिलीव करते थे, नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे, और हमें अपने कर्मास के अकॉर्डिंग पनिशमेंट भी मिलती है, ये भी इनका मानना था। तो बेसिकली जहाँ पे जैनिज्म में त्रिरत्न चलते हैं, त्रिरत्नों को फॉलो किया जाता है, राइट फेथ मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ठीक है। तो ये तीन रत्न कहलाते हैं जैन धर्म के, जैसे कि त्रिपिटक कहलाते थे वहाँ पे बौद्धिज्म में, त्रिरत्न जो है वो यहाँ पे जैनिज्म में देखने को मिलेंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इसके अलावा जो भगवान महावीर और भगवान पारशनाथ ने 5 डॉक्ट्रिन दिए थे, ऊपर के 4 जो है वो पारशनाथ ने दिए थे और उसमें लास्ट वाले को ऐड करके ये भगवान महावीर ने बताया। अब क्या कहते हैं, अहिंसा सबसे पहले, सत्य डू नॉट स्पीक लाए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अस्ते चोरी नहीं करनी चाहिए, अपरिग्रह प्रॉपर्टी को नहीं, ऐसा नहीं पैसे जोड़ने से क्या होता है, लोगों में घमंड आ जाता है, ईगो आ जाता है ना, पैसे के कारण क्या होता है, चोरी वगैरह, क्राइम्स भी बढ़ते हैं। तो अपरिग्रह और फिर ब्रह्मचर्य को पालन करना चाहिए। तो ये 5 डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म भी कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं स्प्लिट इन जैनिज्म, तो जैन धर्म का डिवीज़न क्यों होता है। तो बेसिकली जो सेंटर होता है जैनिज्म को वो मथुरा होता है, मथुरा जो है वो जैनिज्म का सेंटर होता है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मगध के रीज़न की। तो मगध, मथुरा मतलब नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, बहुत बड़ा अकाल पड़ता है, ड्रॉट पड़ता है, सूखा पड़ता है। तो इसलिए कुछ फॉलोवर्स जो होते हैं वो भद्रबाहु के साथ साउथ इंडिया में चले जाते हैं और कुछ फॉलोवर्स जो है वो स्थूलबाहु के साथ वहीं पर रह जाते हैं नॉर्थ के रीज़न में। तो कुछ समय बाद जब भद्रबाहु वापस लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि स्थूलबाहु के लोग नेतृत्व में, स्थूलबाहु के साथ जो लोग थे उन्होंने तो अपने प्रिंसिपल्स को, अपनी जो बेसिक वैल्यूज थी उनको चेंज कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे जो फॉलो किया जाता था, यहाँ पे बात हो रही थी अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य के बारे में बात कर रहे थे कि मोह माया से आपको दूर रहना है, आपको इतना भी मोह नहीं रखना, आपको अपने पास कुछ भी नहीं रखना, इनफैक्ट आपको अपने कपड़े भी अपने पास नहीं रखने हैं। तो जनरली आप जो जैन साधुस या जैन मॉन्क को देखते हैं वो आपको
बिना कपड़ों के देखने को मिलते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ये कहता था कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आपको किसी भी चीज़ से लोभ मोह माया नहीं रखनी है। तो जब स्थूल बाहु के लोग साथ जो लोग रहते हैं नॉर्थ में, वो लोग कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, वाइट कलर के आप देखेंगे कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो भद्र बाहु के साथ लोग रहते हैं वो अभी भी महावीर भगवान के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। तो भद्र बाहु और स्थूल बाहु के बीच में यहाँ पे फाइट देखने को मिलता है, मतलब दोनों के विचारधाराओं थिंकिंग में सेपरेशन देखने को मिलता है, इसलिए जैन धर्म जो है वो स्प्लिट हो जाता है। तो भद्रबाहु वाले जो साउथ इंडिया गए थे वो दिगंबर कहलाए, और स्थूल वाले जो नॉर्थ इंडिया में ही रह गए थे वो श्वेतांबर कहलाए। तो श्वेतांबर जो वाइट कलर के क्लॉथ्स पहनते हैं, आप देखा होगा कुछ मॉन्क्स होते हैं, कुछ नन होती हैं जो वाइट कलर के क्लॉथ्स पहनते हैं, और दिगंबर जो नेक्ड रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो जैनिज्म है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब जैनिज्म की काउंसिल के बारे में बात कर लेते हैं। अब भगवान महावीर की डेथ के कई साल बाद, कई सालों के बाद जो उनकी स्पीचेस थी, जो उनके प्रिंसिपल्स थे, उसको अब यहाँ पे डिकोड करने का काम शुरू हुआ, उसको लिखने का काम शुरू हुआ, इसलिए यहाँ पे जैन काउंसिल होती हैं। तो बेसिकली दो काउंसिल होती हैं। पहली काउंसिल पाटलिपुत्र में होती है चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ठीक है, और उसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो स्थूल बाहु होते हैं। ठीक है, फर्स्ट काउंसिल में ही जैनिज्म जो है वो दो पार्ट्स में मिल जाएगा, दिगंबर एंड श्वेतांबर। सेकेंड जो काउंसिल है वो बल्लवी गुजरात में होती है 512 एडी में। ठीक है, इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो देवा रदगिनी होते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि जो जैन साहित्य होता है उसको आगम कहा जाता है, जैनों का जो लिटरेचर है ना उसको आगम कहा जाता है, और ये जो आगम है, ये लिटरेचर है, ये आपको प्राकृत भाषा में मिलेगा। इस आगम में 12 अंग होते हैं, और इन 12 अंग को कंपाइल कहाँ पे किया गया है, सेकेंड काउंसिल में किया गया है। ठीक है, आइए अब हम बात कर लेते हैं जैन आर्किटेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले गुफाओं के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी गुफाएं या केव्स हैं जो जैनिज्म से रिलेटेड है। तो एलोरा की केव जो कि महाराष्ट्र में है आप देखेंगे, मांगी तुंगी केव ये भी महाराष्ट्र में है, फिर गाजा पंथा केव ये भी महाराष्ट्र में है, उदयगिरी की गुफाएं, उदयगिरी खंडगिरी केव्स उड़ीसा भुवनेश्वर में है। जो कलिंग नरेश खारवेल होते हैं वो जैनिज्म को फॉलो करते हैं और वो ही उदयगिरी की गुफाएं बनाते हैं। हाथी गुम्फा केव ये भी उड़ीसा में है, सितन वसल केव ये तमिलनाडु में है। तो इन सभी केव्स का रिलेशन जैनिज्म से मिलता है। अगर स्टैच्यू की बात करें तो ये स्टैच्यू जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गंग डायनेस्टी के राजा चामुंड राय ने बनवाया था, गोमतेश्वर बाहुबली श्रवण वेलगोला कर्नाटका में है। स्टैच्यू ऑफ अहिंसा ऋषभनाथ मांगी तुंगी हिल्स महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगर हम जिनाले या टेम्पल की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है सोलंकी और चालुक्य राजाओं ने जो बनवाया हुआ था, दिलवारा टेम्पल माउंट आबू राजस्थान में है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, RRB NTPC से में पूछा गया है। वैसे ही अगर हम खजुराहो के टेम्पल की बात करें तो खजुराहो के जो जैन टेम्पल हैं वो चंदेल राजाओं ने बनवाए हैं। ठीक है, तो वो भी याद रख लेंगे। गिरनार टेम्पल गुजरात में है, मुक्तागिरी टेम्पल महाराष्ट्र में है, और एक मुक्तागिरी जो है वो बैतूल में भी मिलता है मध्य प्रदेश में। चलो अगली बात कर लेते हैं जैनिज्म के लिटरेचर की। तो जैनिज्म लिटरेचर को मैंने कहा है आगम कहा जाता है, प्राकृतिक भाषा में है। पहला है आचरंग सूत्र। आचरंग सूत्र में जो है वो महावीर भगवान ने 12 साल तक क्या किया, किस तरीके से तपस्या की, मेडिटेशन किया, जिसके बाद उनको कैवल्य मिला, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। अगला है कल्प सूत्र। तो कल्प सूत्र में क्या मिलता है, कल्प सूत्र भद्रबाहु ने लिखा हुआ है। भद्रबाहु ने पूर्व तीर्थंकरों के बारे में इसमें डिकोड किया है, इसमें लिखा हुआ है कल्प सूत्र में भद्रबाहु। ठीक है, अगला है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में कि जैनिज्म में जो मॉन्क होते हैं, जो नन होते हैं, उनके प्रिंसिपल्स कैसे होंगे, वो किस रूल्स को फॉलो करेंगे, है ना, वो सारी चीज़ें भगवती सूत्र में देखने को मिलती हैं। अच्छा, बुद्धिज्म में मैंने आपको एक लिटरेचर बताया था आगुंतर निकाय। आगुंतर निकाय में आपको 16 महाजनपद के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती थी, वैसे ही भगवती सूत्र से भी आपको 16 जो महाजनपद थे ना उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। मोस्ट मोस्ट VVIP क्वेश्चन है कि कौन से लिटरेचर है जिनसे हमको जनपदों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो एक आगुंतर निकाय विच इज़ रिलेटेड टू द बुद्धिज्म, एंड सेकेंड वन इज भगवती सूत्र विच इज़ रिलेटेड टू जैनिज्म। क्लियर है, चलो अगली बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो आई होप आपको जो भी जैनिज्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। तो क्वेश्चन है,
प्रियदर्शना, द डॉटर ऑफ महावीर वॉज मैरिड टू हूम, प्रियदर्शना की शादी किसके साथ हुई थी ये आपको कमेंट में बताना है। बात क्लियर हो गई है? साथ ही साथ एक वो रीजनिंग सा मैंने क्वेश्चन पूछा था याद आ गया, उसका आंसर भी कमेंट में बता दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जहाँ पर हम बात करेंगे विजयनगर एम्पायर के बारे में। काफ़ी समय से लोग कमेंट कर रहे थे कि विजयनगर के बारे में बता दीजिए, बिल्कुल नेक्स्ट में हम विजयनगर एम्पायर के बारे में बात करेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।